हेलो फ्रेंड, आज मैं ब्रेड रोल बनाने जा रही हूँ। और फ्रेंड, उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस तरीके से है। यहाँ मैंने चार आलू लिए थे और उनको मैंने बॉईल करके भत के रख लिया है। और फ्रेंड, एक गाजर है जो मैंने कद्दूकस की हुई है, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने उसको बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्ची है जो मैंने काट कर रख ली हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, कुछ फ्रेंड किशमिश, और फ्रेंड ये मूंगफली है जो मैंने ऑयल में फ्राई कर ली है, और नमक स्वाद अनुसार। और ब्रेड, ये ब्रेड है जो मैंने इनके किनारे चाकू से निकाल लिए हैं। और फ्रेंड, ये पानी है जो मुझे ब्रेड रोल के लिए बनाने में चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। एक बार में आलू को मत के रख लिया है। अब इसमें मैं जो कद्दूकस की हुई गाजर थी फ्रेंड, मैंने उसको इसमें मिला दिया है। कटी हुई प्याज, आप चाहें फ्रेंड यहाँ तो मटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने नहीं की है। और फ्रेंड, ये कटी हुई हरी मिर्ची, ये मूंगफली के दाने, ये कुछ किशमिश के दाने हैं, और ये मिर्ची पाउडर, और फ्रेंड नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला। और फ्रेंड, सारे मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है और ब्रेड को मैंने यहाँ पर पानी में डिप कर दिया है, डुबो दिया है। और देखिए फ्रेंड, इनको हल्के हाथों से इस तरीके से पानी हमको निकाल लेना है, डुबो कर रखना नहीं है ब्रेड को। देखिए, हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है। अब इस ब्रेड में हमको ये जो हमने इसका आलू का पेस्ट बनाया है सारा, उसको बीच में डालकर हम उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अपने हाथों की मदद से इसको, जो थोड़ा बहुत पानी है फ्रेंड वो ऐसे निकल जाएगा। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकती हैं और चाहें तो उसको लंबाई में भी इसका आकार दे सकती हैं ब्रेड रोल का, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमको बनाना है, हल्का सा इसको दबा देना है इस तरीके से। फ्रेंड, हम सारे ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे इस तरीके के शेप के भी हमारे। देखिए फ्रेंड, आप चाहे कोई भी शेप का ब्रेड रोल बना सकती हैं। इस तरह से हम सारे ब्रेड रोल तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, ब्रेड रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्रेंड देखिए, ब्रेड रोल हमने ऑयल में तलने के लिए छोड़ दिए हैं। बहुत तेज गैस पर हमें नहीं तलना है फ्रेंड, मीडियम गैस पर हम उनको तलते हैं। अब हम ब्रेड रोल को पलट लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ब्रेड रोल अच्छे से तल गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ब्रेड रोल? ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।